ये सारा मेरा जलेबी बनाने का सामान तैयार है। ये रही शुगर, ये रहा पानी, ये है एक कटोरी मैदा, और जिस कटोरी से मैदा नापने वाली हूँ उसी सेम साइज़ की कटोरी एक और रखी है, जिससे मैं पानी मैदा में डालने के लिए और चाशनी में डालने के लिए पानी नापूंगी, साथ में चाशनी बनाने के लिए शक्कर को भी नापूंगी। ये रहा इनो, ये रही चाशनी में डालने के लिए 2 इलायची, जिनका मैं पाउडर बना लूँगी, और पाउडर बनाने के बाद उसे चाशनी में डाल दूँगी। और ये रहा फूड कलर, जो मैंने ऑरेंज कलर का मंगाया है, आप रेड कलर या ऑरेंज कलर में से कोई भी फूड कलर चाशनी में डाल सकते हो। ये मैंने इलायची छील लिया है, इलायची के दाने को इस तरीके से, इलायची के दाने को मैं कुचल के पाउडर बना लूँगी। इसकी एक ट्रिक होती है, इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देते हैं हम। मीठी चीज़ कुछ बनानी है तो उसमें, अगर पाउडर बनाना है किसी चीज़ का कुचल के, तो उसमें शक्कर, और यदि कोई तीखी चीज़ हो तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं, जिससे एक फ्रिक्शन आता है और फ्रिक्शन की वजह से वो चीज़ अच्छे से पिस जाती है। चाशनी बनाने के लिए हम कोई एक बर्तन ले लेंगे। एक कटोरी हमने मैदा लिया है जलेबी बनाने के लिए, तो उसमें हम 2 कटोरी शक्कर की चाशनी बनाएंगे। तो ये मैं 2 कटोरी शक्कर ले लेती हूँ, और 2 कटोरी यदि शक्कर है तो उसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर दूंगी मैं। ये शक्कर में मैं 1 कटोरी पानी डाल देती हूँ, और इलायची पाउडर। अब इसको उबलने रख देती हूँ। चाशनी उबलने रख दी है, अब उसमें मैं फूड कलर ऐड कर दूंगी, और मैंने शक्कर और पानी की मात्रा इतनी रखी है कि पानी में एक उबाल आने पर ही चाशनी तैयार हो जाएगी। जब तक चाशनी तैयार हो रही है, तब तक अब हम जलेबी बनाने के लिए मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। अब हम जलेबी का घोल तैयार कर देंगे। उसके लिए 1 कटोरी मैदा, उसमें 1 चम्मच घी और हमें तुरंत जलेबी तैयार करना है, तो उसके लिए मैं इसमें इनो ऐड कर लेती हूँ। इनो का एक पूरा पैक मैंने इसमें ऐड कर दिया। बीच में हम चाशनी चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए, एक उबाल आ गई है। अब हम चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इनो पाउडर घी और मैदा को मिक्स कर लेते हैं। मुझे हाथ से मिक्स करना कंफर्टेबल लगता है, तो इस तरीके से मैं घी, इनो पाउडर और मैदा को मिक्स कर दूंगी। 1 कटोरी मैदा है तो हम इसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर लेंगे, लेकिन पानी हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, ताकि इसमें लम्स ना बने। इसको हम बहुत ज़्यादा तेज तेज इसलिए मिक्स नहीं कर रहे, क्योंकि इससे इनो का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और हमें ये थोड़ा सा इस तरीके से चाहिए था कि इसमें खमर ना जाए। ये देखिए, इनो की वजह से इसमें इस तरीके से ये खमर ना गया, ये खिंच रहा है। तो मिक्सचर जलेबी के लिए तैयार है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। दूध के पैकेट में ही जलेबी बनाने वाली हूँ, तो ये दूध का पैकेट है, इसको मैंने एक तरफ से बस कट कर लिया है। इसमें पेस्ट भर लूँगी, ये छोटा सा कट कर लिया है। अब इसको मैं ग्लास में रख दूँगी। इस तरीके से दूध के पैकेट को मैंने ग्लास में रख दिया है, और अब जो पेस्ट बनाया था जलेबी वाला, उसे इसमें फिल कर दूँगी। रखती है और तेल ऐड कर देती हूँ। तेल या घी, आप जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई जो है वो थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, और तेल हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है।
अब हम इन जलेबियों को पलट देंगे और जब ये क्रिस्पी हो जाए तो इन्हें चाशनी में डाल देंगे। अब इनको हम चाशनी में डाल देंगे। तुरंत इस तरीके से प्रेस कर देंगे और अब चाशनी से बाहर निकाल लेंगे।